और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर आजम कहां जाएंगे, क्योंकि आजम खान से जेल में मिलने वालों की होड़ मची है। वो भी मिलने जा रहे हैं जो कभी उनका नाम तक नहीं लेते थे, मतलब आजम खान को ऑफर देने वाले कई, लेकिन आजम किसका ऑफर कबूल करेंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिसका भी करेंगे उसमें नुकसान अखिलेश यादव का ही है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट की एकजुटता के सहारे सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची, वो आजम की वजह से खिसक सकता है। आजम जेल से बाहर आएंगे तो किसके साथ जाएंगे? आजम की डिमांड हाई, कब खत्म होगी बगावत की लड़ाई? यूपी चुनाव के दौरान जिस आजम खान का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, आज हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम है, क्योंकि जब से आजम खान और उनके कुनबे ने समाजवादी पार्टी को बगावती तेवर दिखाए हैं, तब से सीतापुर की जेल में मिलने वालों की वेटिंग लगी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मिल चुके हैं, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी मिल चुके हैं, और जो भाजपा पूरे चुनाव के दौरान आजम खान का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती रही, उसके नेता भी आजम खान से मिलना चाहते हैं। लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद आजम खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके करीबी ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आजम खान और मुसलमानों की उपेक्षा कर रहा है। चर्चा ये भी है कि आजम खान बहुत जल्द समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, चूंकि आजम खान मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है और बड़े नेता हैं, इसलिए सारे दल उन पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आजम समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खान से। आजम खान उधर जाऊंगा तो मिलूंगा। और जो नहीं मिल पा रहे हैं वो आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर जा रहे हैं, मतलब आजम खान से मिलने, उनके साथ दिखने, उनका नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला करने की होड़ मची है। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि वो भी आजम खान के साथ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजम खान का नया ठिकाना कहाँ होगा, क्योंकि सबसे पहले आजम खान को ओबीसी की पार्टी AIMIM ने चिट्ठी भेजकर शामिल होने का न्योता दिया था। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं, वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं, तो क्या नाम है वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि वो जरूर आएंगे। इसके बाद जैन चौधरी रामपुर पहुंचे थे, जहां जैन चौधरी ने अब्दुल्ला आजम और पूरे कुनबे से मुलाकात की थी। साथ ही यहाँ आजम खान जी जो बहुत सीनियर नेता है, रिस्पेक्टेड नेता है, वरिष्ठ नेता है, और जिनके इस परिवार के ताल्लुकात मेरे परिवार से 3 पीढ़ी के हैं। लेकिन जेल जाकर आजम खान से मिलने वालों में सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का था, जिनकी जेल में आजम से करीब 1.5 घंटे तक बात हुई। तो इस पर जरूर विचार करेंगे और आजम भाई की सभी बातों को हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। शिवपाल की मुलाकात के बाद जेल जाकर आजम खान से मिलने वालों की होड़ मच गई, क्योंकि शिवपाल यादव के बाद ही प्रमोद कृष्णम भी आजम से मिलने पहुंचे। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है। आजम खान साहब ने मेरी दी हुई गीता को स्वीकार किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी आजम खान साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा। और अब कई और नेता है जो आने वाले वक्त में जेल जाकर आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं, मतलब आजम खान के पास ऑफर ही ऑफर है। लेकिन वो किसका ऑफर कबूल करेंगे इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि आजम खान ने सपा विधायक रविदास बैरुत्रा को बैरंग लौटाकर साफ कर दिया कि वो जहां भी जाएंगे लेकिन लौटकर सपा में नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।